नमस्कार भैया बहनी, अपना पंच देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के साथ। ठाकुर सोमेश्वर सिंह शासकीय महाविद्यालय नई गढ़ी के प्रवेश समिति प्रबंधन के गलत फीडिंग छात्रन में भारी पड़ा ही। अपना को बताई कि गलत फीडिंग के कारण छात्रन के मूल विषय विलोपित हो गए, जहां छात्रों को हो सकत है कि परीक्षा से वंचित हो पर वहाँ महाविद्यालय में ही अराजकता के माहौल है। यहाँ के जिम्मेदार नहीं आए जो उनके शिक्षा के मंदिर के भगवान गुरुजन हमा वो खुद अराजक बने हमा। और फॉर्म भरने के लिए आदेश आया कि फॉर्म में सब सारे स्टूडेंट्स अपने सब्जेक्ट अपने मन से ले सकते हैं। हम लोग जब उसको भर चुके तो एक महीने बाद जब उसका मतलब रसीद निकलवाए तो उसमें सब्जेक्ट था ही नहीं, पुराने सब्जेक्ट थी। तो हम लोग आवेदन दिए तो यहाँ से कोई काम नहीं हुआ, आवेदन के हिसाब से कोई काम नहीं हुआ। तो फिर हम लोग फिर से आवाज़ उठाए, कम से कम 10 बार आवेदन दे चुके लेकिन कोई उसका निराकरण नहीं हुआ। हम लोग फिर अगस्त क्रांति के सहयोगी आए और आज बोल रहे लेकर आपके पास ये लोग आए थे, क्या निर्णय हुआ वो अब उस पर कार्यवाही शुरू हो गई है। अभी हमने चूँकि आपने दिया है तो पढ़ा नहीं है, लेकिन उसमें महाविद्यालय के हित की सारी बातें हैं सुसमय मानी जाएंगी, उसमें संदेह नहीं। और एक जो मूल समस्या जिसको कि कई दिनों से चल रही है छात्रों के शंकाए वो विषय परिवर्तन की, तो उसमें भी प्रक्रिया शुरू हो गई है और आज हमारे सारे अधिकारी यहाँ दिन रात मेहनत करेंगे, उसको पूरा करेंगे कल तक में, जैसे होगा करना ही हमारा धर्म है। सर ये कहाँ से कर्तव्य है, ये कहाँ से गड़बड़ी हुई थी जिसके लिए आज इसको जाँच हम कर रहे हैं, उसको उसके बाद आपको हम अवगत करा देंगे कि हमारे कहाँ से गड़बड़ हुआ था वो भी आपको हम बता देंगे। बुलेटिन की अगली खबर सतना से है, जहां भाजपा महिला जिला मोर्चा के अध्यक्ष की लड़का बीते दिन जम के उत्पात मचाई। पीड़ित मामला की शिकायत परिजन से करीन पर सिर्फ परिजन समझाइश देहन पर अपने बेटे पर लगाम नहीं लगा सके। जोने के बाद बिगड़े नवाब साहब अपने दोस्तन के साथ पहुंच के जम के मारपीट कई के हवाई फैराव करीन ही बे। हमारे घर में 3:45 बजे नहा के खड़े हुए थे, कपड़े फैला रहे थे, अचानक 3 गाड़ी आई और गाली गलौज करने लगे, तो हम सोचे कोई होगा। कितने लोग थे, कौन लोग थे? सिब्बू यादव, गोलू यादव और हमीर यादव, ये लोग थे, मामू यादव। ये हमारे क्या 3 दिन पहले हमारी दुकान के बाहर रात में तोड़ा फोड़ी बॉटल फोड़ के इन लोग कुछ लोग गए थे। कौन लोग गए थे? ये यादव लोग। हाँ, इनका नाम है मोंटी, सिब्बू यादव, मानू यादव, गोलू यादव और रवि परमार। ठीक है। उसके बाद हमें जब पता चला कि इनके घर के लड़के, तो हमने उनके घर जाके उनके माँ बाप से शिकायत की जी। उन्होंने बोला हम समझा देंगे, आज के बाद आपके यहाँ कोई नहीं आएगा। उसके बाद आज 3 बजे करीब हमारे घर में फिर घुसे तलवार वलवार लेके। उस समय घर में कोई जेंट्स थे नहीं, सिर्फ लेडीज थी। हाँ। कट्टा पिस्टल लिए थे, तलवारों से चमका के गाली गलौज, घर से घर के अंदर घुस के महिलाओं से बदतमीजी से बात करना, ढोसा डाजी करना, ये सब कर रहे थे। आबकारी विभाग रीवा मदिरा दुकानन के सामने अवैध तरीका से अतिक्रमण करे वाले के खिलाफ कार्रवाई करी है। अपना बता दी का कार्रवाई कलेक्टर मनोज पुष्प के आदेश और सहायक आबकारी आयुक्त विक्रम दीप सागर के नेतृत्व में ही आबकारी टीम शहर के समान नाका और सिरमौर चौराहा मदिरा दुकानन के सामने अवैध तरीके से कीन जाए वाले कब्जा का हटाएं। साथ है अवैध तरीका से खड़ा होकर मदिरा पान करे वाले रेस्टोरेंट लाई चना अंडा ठेला संचालकन के खिलाफ कार्रवाई करी है। जी जी, ये सूचना मिल रही थी कि समान चौराहे के आसपास उसके ओवरब्रिज के नीचे अंडा ठेले अगल वाली जो दुकानें लगती हैं वहाँ अवैध रूप से खड़े लोग पीते हैं और आने आने वालों पर जो है पत्तियाँ कसते हैं। कलेक्टर साहब ने निर्देश दिए, हमारे माननीय एसी साहब भी वहाँ पे मौके पे देख के आए, हम लोग को तुरंत बुलाया, कार्रवाई हम लोग जाके तुरंत किए पूरी टीम ने। आगे भी कार्रवाई सब जारी रहेगी? हाँ बिल्कुल, ये कार्रवाई हमारी बिल्कुल जारी रहेगी। रीवा इंजीनियरिंग महाविद्यालय विभिन्न इंजीनियर संकाय के 41 छात्रा प्रोफेसर अर्चना ताम्रकार इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट और प्रोफेसर समीक्षा सिंह इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के साथ अल्ट्रा टेक सीमेंट बेला सतना प्लांट के एक दिवसीय औद्योगिकी विजिट कई के प्रशिक्षण प्राप्त करें। अपने बता दें कि प्रशिक्षण इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्राचार्य डॉक्टर बी के अग्रवाल के मार्गदर्शन में करावा गया है। रीवा के गोविंदगढ़ थाने से एक मामला सामने आवा, जहां एक पीड़ित अपने परिवार और बच्चन के साथ एसपी कार्यालय में न्याय के गुहार लगाई है। अपना बता दी कि पीड़ित बताएं कि वो गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिनके घरे में डकैती पड़ गई रही, आरोपी घरे का आगे लगाए दिन पर पुलिस उल्टाओ नहीं पर प्रकरण दर्ज कर के बार बार पकड़े के प्रयास कर रही है। वहाँ अब पीड़ित
अपने परिवार के साथ एसपी कार्यालय में जाए के एसपी से न्याय के गुहार लगाई नहीं वे आज एसपी कार्यालय आए हैं आप लोग। हम ग्राम बिलबिलिया पोस्ट टीकर थाना गोविंदगढ़ से आए हैं। बिलबिलिया टोला है मेरा, नई बस्ती में मैं बसा हूँ, मुड़ान वाली झिझिया, वहाँ से मैं आया हूँ। जो कि हमारे साथ कई बार ऐसे लापता बार हो चुकी है, घर में डकैती पड़ गई, मेरे घर से मोटरसाइकिल सब कुछ चोरी हो गया, जो कि मेरे पास कुछ नहीं, जो कि मेरे पिताजी पागल है, इसमें मैं इतना सदस्य मैं चलाता हूँ, लेकिन पुलिस वहाँ हमको उल्टा अरेस्ट करती, कहती है बाबा ये साला चोर है, डकैत है, गुंडा है, लेकिन हमको उल्टा मुकदमे में डाला। वैसे एस पी साहब क्या हूँ, एस पी साहब किसको सुनिए, मेरी ये सारी रिपोर्टें हैं, मेरे घर में मेरी 16 साल की बेटी है, रीवा के सिटी कोतवाली थाना के अंतर्गत लखौरी बाग में ही दिन दहाड़े लाखन रुपया के लूट भई है। अपना को बताया दी कि मजदूरन का ही पैसा दे जाए वाले बाइक सवार अज्ञात बदमाश लूट के घटना का अंजाम दे के 1,28,000 रुपया लूट के मौके से फरार हो गए। वहाँ घटना हुई है, संजय सोंधिया नाम है, कहाँ की निवासी है? खैरी निवासी। क्या घटना हुई आज आपके साथ? सर हम बैंक से पैसा निकाल के चले जा रहे थे खन्ना फैक्ट्री लेबर पेमेंट करने, वहाँ से चले जैसे लखौरी बाग के मंदिर के पास पहुँचते हैं तो दो आदमी गाड़ी से आए, मेरे को पीछे से मेरे गाड़ी में ठोकर मारे तो हम खाई तरफ गिर गए, और वो हमारे डिग्गी में पैसा डाला था, डिग्गी खोल के निकाले और झोला लेके भाग दिए। कितना पैसा थे, कहाँ से निकाले थे आप? वो एच डी एफ सी बैंक से। कितना पैसा निकाले थे? 1,28,000। तो पूरा बैग चले गए? हाँ, पासबुक चेकबुक घलाए झोले पूरा मार दिए। कितने की संख्या में थे, कौन सी गाड़ी से थे? हम इसमें गाड़ी थे। आरोपी वो जो लूट गए हैं कौन सी गाड़ी? वो से सर अब जब मेरे को पीछे से मारे से सर तो हम गिर गए उधर खाई तरफ, झोला निकाली भाग गए सर, हम तो देखी थी। कितने थे सर? दो लोग थे, फैशन प्रो गाड़ी थी। तो भैया भाई ने आज के बुलेटिन में इतने, बघेली में खबर देखे के लाने देखते रहे मारवेंद के बघेली समाचार। नमस्कार।